अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो यार हम सिलेबस का जो है वो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको आज की वाली वीडियो में जो है वो बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊंगा कि सी प्लस प्लस वगैरह का इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बहुत दूंगा और आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा कौन से आइडियाज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। तो यार करते हैं शेयर स्टार्ट। तो देखें यार, आईडीज तो बहुत सारी हैं इस दुनिया के अंदर जिस पे हम कोड कर सकते हैं। आईडी क्या है? आईडी वो है जहाँ पे हम कोड टाइप करेंगे, ठीक है। अब आईडी कौन सी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, वो तो वीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। लेकिन अभी जो अभी के लिए हम जो स्टार्टिंग है हमारी वो हम डेव सी प्लस प्लस से करने वाले हैं, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको पहले जो है एक सिंपल आईडी से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड पे आपको आना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है, उसकी एक्सटेंशन हमें लगानी पड़ेगी। उसका सारा प्रोसीजर जो है वो हम आगे चल के समझेंगे जब हम विजुअल स्टूडियो कोड पे अपना कोड स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ टर्बो सी प्लस या डेव सी प्लस प्लस आईडी। टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड किस्म की आईडी है जिसको हम बिल्कुल यूज करने नहीं वाले। उसका जो इंटरफेस कुछ यूं होता है, इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस होता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस चीज को हम नहीं आने वाले, ठीक है। अब हमें डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर किस तरह से करना होगा, क्या करना होगा उसके लिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हमें उसको इंस्टॉल करना होगा और क्या क्या उसके जो है वो होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो इस तरह से सिनेरियो है टर्बो सी प्लस प्लस का, पर हम इस पे हम बात नहीं करने वाले। अब यहाँ पे हम पहले पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। आईडीई क्या होता है? तो एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये हमें जो है हमारे सॉफ्टवेयर से वर्क करने में हर किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस के बारे में लिखा पड़ा है, कुछ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। टर्बो सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट कॉल्ड आई डी ई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। द आई डी ई या एडिटर स्लेश एडिटर इज यूज टू क्रिएट द सोर्स फाइल, कंपाइल इट, लिंक इट एंड देन एग्जीक्यूट इट, ठीक है। एन आई डी ई नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स कोड, एडिटर, कंपाइलर, बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स एंड डिबगर, ठीक है। एक कंपाइल, एक जो आई डी ई है ना उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ गिविंग कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट दे शुड डू नेक्स्ट, यानी कि हम जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम किसी नॉर्मल इंसान को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई मेरे लिए ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन करने वाले हैं कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अब नेक्स्ट में क्या करना चाहिए उसको। दीज इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज कोड, इन इंस्ट्रक्शंस को हम कोड करते कोड बोलते हैं। जबकि नॉर्मल लाइफ में हम अगर किसी को बोलें कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वो एक हमारा ऑर्डर हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स राइट कोड सॉल्व प्रॉब्लम्स और परफॉर्म टास्क, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क, ठीक है। समझ आपको आ गया होगा, इतना ज्यादा डिटेल में हम मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं तो हमें इजीली समझ में आ रहा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द स्किल ऑफ राइटिंग यूजफुल सोर्स कोड व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड बाय कंप्यूटिंग सिस्टम परफॉर्म अ मीनिंगफुल टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे है ये पिक्चर, आप देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक सिंपल पिक्चर है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्राम द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू इनेबल अ कंप्यूटर डू अ सर्टेन टास्क, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि सेट इंस्ट्रक्ट करना, अब यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस अगर हम हमारे कंप्यूटर को दें तो वो एक प्रोग्राम कहलाता है, ठीक ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इंस्ट्रक्शंस आर कंसिडर्ड एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स और
ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इज डन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर, अब ये एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के, अब वेब ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम कैन बी यूज टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, एंड ऑफिस सूट कैन बी यूज टू राइट डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट, जिसपे हम अभी स्लाइड भी आपको दिखा रहे हैं पावर पॉइंट पे। वीडियो गेम्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई जान, ये कौन सी मुसीबत आ गई है ना, ये पता नहीं क्या आ गया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या होती है उसको भी हम देख लेंगे आगे। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन वन ऑफ द न्यूमरस लैंग्वेजेस रेंजिंग फ्रॉम मशीन लैंग्वेज फॉर मशीन्स दैट इज कंप्यूटर्स। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है अब उसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, राइटिंग डायरेक्टली इन लो लेवल मशीन कोड दैट इज कोड दैट मोर डायरेक्टली कंट्रोल्स द स्पेसिफिक ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर हायर लेवल लैंग्वेज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम जो कोड करते हैं ना उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आपको हम जैसे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। प्रोग्रामर्स मेक यूज ऑफ स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, .NET, etc. ठीक है, कन्वर्ट द प्रोग्राम डिजाइन डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सिस्टम आर्किटेक्ट्स इनटू इंस्ट्रक्शंस दैट द कंप्यूटर कुड फॉलो। कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मच लार्जर डिसिप्लिन्स नोन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हिच इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट aspects of making software include design, construction and quality। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑफन कॉल्ड जस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, और इट कैन मीन ऑल द सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। देखिए ये बिल्कुल ही बहुत सिंपल लिखा है, एप्लीकेशंस आर प्रोग्राम्स दैट डू अ स्पेसिफिक थिंग्स सच एज अ वर्ड प्रोसेसर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, अब जो कि हमारा एंड्रॉयड फोन होता है उसके अंदर हम वेरियंट्स देखते हैं, एंड्रॉइड 12, विंडोज 13, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं और बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हमारा आ जाता है मेन टास्क। आई होप आपको पीछे वाली सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या होती है और ये कौन सी भला है। ठीक है, C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम अभी जो जो भी लैंग्वेजेस हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। पहले एक प्रोग्रामर को लो लेवल लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी हमारे अंडरस्टैंड करने में। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर समझ अंडरस्टैंड करते हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिख के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको फिर हमारा जो IDE है उसको वो कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझेगा। ठीक है, हम जब उसको कंपाइल करेंगे तो हमारे 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 जो इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखी हुई होंगी कंप्यूटर उसको कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। अब लो लेवल लैंग्वेज जो है वो बाइनरी नंबर्स और बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, जिसको हम 0-1 लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस जो है इजी फॉर द प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड, जो इंटरेस्ट लेगा उसके लिए बहुत ज्यादा इजी होगी और जो टेंशन लेगा उसके लिए तो कभी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, कंटेंट्स इंग्लिश वर्ड्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटेंट्स इंग्लिश वर्ड्स यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो हम इंग्लिश के थ्रू लिखते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि हम एक मैसेज लिख देंगे भाई माय नेम इज फलां ये वो ये प्रोग्राम बन गया, इस तरह भी नहीं। मतलब एक जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे इंग्लिश के इंग्लिश में अंदर होते हैं। इट इज ह्यूमन रीडेबल, इट इज इनपुट टू द लैंग्वेज ट्रांस।
प्रोग्राम स्टेटमेंट स्लैश प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंटेन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एक प्रोग्राम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर होंगी उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क विद अ कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस इज एनी कमांड गिवन टू द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्ले अ मैसेज, सी आउट हेलो वर्ल्ड। ईच ऑफ दीज इज द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। एड टू वेरिएबल्स ए एंड बी इन टीजर सम इज इक्वल ए प्लस बी। अब आप बोल रहे होंगे यार ये क्या, पता नहीं क्या, कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये, तो इससे थोड़ी होता है। देखें, हम मूव ऑन करेंगे स्लोली स्लोली, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भी ये आपको बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रहा होगा, आई नो वेरी वेल। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अब ये एक वे है सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखने का। ठीक है, करता हूँ ताकि ज्यादा कन्वीनियंट रहे। अब ये है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड कौन आईओ डॉट एच, वॉइड मेन, सी आउट हेलो वर्ल्ड, गेट सी एच वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये गेट सी एच जो है ये हम यूज नहीं करने वाले, बिकॉज ये गेट सी एच ये टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर यूज होता है, जो कि मैंने आपको बताया है बहुत ज्यादा ओल्ड लेवल लैंग्वेज है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है। ये एक हेडर फाइल है, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैशटैग इंक्लूड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है। तो हम इंक्लूड कर रहे हैं इस हेडर फाइल को और इसको भी, और ये हमारा मेन फंक्शन है। अच्छा, सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए एक मेन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा लाजमी होता है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि मेन फंक्शन का मतलब ही ये है कि मेन मतलब आपका जो सारा कोड जहाँ पे लिखा हो ना, वो एग्जीक्यूट ही आपका मेन फंक्शन करता है। अगर मेन फंक्शन नहीं होगा प्रोग्राम आपका रन नहीं करने वाला। हैशटैग इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आईओ स्ट्रीम डॉट एच। अच्छा, ये डॉट एच भी हम नहीं लगाने वाले डेव सी प्लस प्लस के अंदर। आप वीएस कोड पे भी ये डॉट एच नहीं लगा सकते। ये जो है हमने यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस के लिए लिखा हुआ है, तो ये कुछ बातें आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा। इज अ हेडर फाइल, द मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एवरी फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन दैट इज मेन फंक्शन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट या गेटवे ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, बिकॉज एवरी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। एज आई टोल्ड यू द कर्ली ब्रैकेट्स स्पेसिफिक स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द फंक्शन। अच्छा, जो हम यहाँ पे मेन के बाद पेरेंथेसिस देते हैं, उसके बाद हमारी कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट हो जाती हैं। हम जो भी कोड करेंगे ना, वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगा। अब फॉर सपोज यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है, तो ये हमारी कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट हो गई और ये एंड हो गई। इसके बीच में जो है सारा कोड लिखना है, उसके आउटपुटिंग विथ सी आउट कंसोल आउट। अब ये क्या मुसीबत है भाई, सी आउट इन सी प्लस प्लस, सी आउट स्टैंडर्ड आउट स्ट्रीम। आपने सुना होगा कि भैया जावास्क्रिप्ट में हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, पाइथन में प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, और बहुत सारे जो हर लैंग्वेजेस के अलग अलग होते हैं आउटपुट देने के स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास सी आउट आ जाता है। स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट एंड और डिस्प्ले द टेक्स्ट और नंबर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। यानी सी आउट के बाद हम जो भी कुछ लिखेंगे वो सारा हमारा आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यानी आउटपुट देगा हमें। अब लिखेंगे हम कैसे वो, सी आउट इज यूज्ड इन कंजक्शन विद इंसर्शन ऑपरेटर्स और पुट टू ऑपरेटर। इन ये जो है दो लेस देन की सिंबल्स हैं, जो कि हम सी आउट लिखेंगे, उसके बाद हम दो इंसर्शन ऑपरेटर्स देंगे, उसके बाद हम स्ट्रिंग लिटरल के अंदर जो है जो भी लिखेंगे उसके बाद सेमी कोलन देंगे, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब आप बोल रहे हैं यार ये स्ट्रिंग लिटरल क्या हो गया, तो नॉट बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने लिखा हुआ है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल। ये हो गया सेमी कॉलन। ठीक है, इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं, यानी कि जिस भी स्टेटमेंट के अंदर हम
आई होप आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो टर्मिनेटर क्या है, हर स्टेटमेंट की एंड में हमने सेमी कोलन देनी है ताकि वो उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करे, एंड कर। गेट सी एच फंक्शन, ठीक है, अब ये हमारा जो कि हम टर्बो सी प्लस प्लस में यूज करते हैं, हम इसको समटाइम्स हमारी डेव सी प्लस प्लस के अंदर भी यूज करते हैं, तो हम इसको सिर्फ एक बार देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू व्यू द आउटपुट वी यूज्ड गेट सी एच फंक्शन, गेट सी एच इज यूज्ड टू होल्ड आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। ये मतलब टर्बो सी प्लस प्लस इतनी ओल्ड आईडी है जो जो कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड नहीं कर सकती, तो उसको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे गेट कैरेक्टर का फंक्शन यूज करते हैं। गेट कैरेक्टर फंक्शन इज यूज टू गेट वन कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। Whenever the computer encounters get this function, it will wait for the user to press the key from the keyboard. Once the user presses any key on the keyboard, that will be get by the get ch file. Conio.h header file is required for get character function. Conio.h contains prototype declaration for get character functions. ये हेडर फाइल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको आज तो पहले ये बोल रहा हूँ कि आप जो भी हेडर फाइल्स है ना वो आप देख लें। अब हेडर फाइल्स यूज क्यों होते हैं, ताकि ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ना ये आईओ स्ट्रीम के अंदर इंक्लूड होती है। जब तक अगर हम आईओ स्ट्रीम नहीं देंगे और सी आउट देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करके एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सी प्लस प्लस के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, वहां पे आप जो भी हेडर फाइल्स हैं आप देखेंगे उनको और देखें कि उनके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। अब कोनाई डॉट एच जो है वो हमने यूज किया था वो किस लिए किया था, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये गेट सी एच ई के बी एच आई टी, ठीक है। फंक्शन ऑफ कोनाई डॉट एच कैन बी यूज टू क्लियर स्क्रीन, चेंज कलर टेक्स्ट बैकग्राउंड, मूव टेक्स्ट, वेदर अ की इज प्रेस्ड और नॉट। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मतलब ये एक प्रोग्रामर है। तो भैया मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये करो, तुम्हें करना है तो करना है, बस किस तरह से भी करना है। तो हम स्ट्रिंग लिटरल के अंदर यहाँ पे batch 20 एस डब्ल्यू लिखेंगे, सी आउट करेंगे इसको, तो ये भैया कंप्यूटर हमारा आउटपुट देगा हमें यहाँ पे इधर 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 क्या आउटपुट देगा, batch 20 एस डब्ल्यू ये वाला आउटपुट देगा। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डू अ मीनिंगफुल टास्क, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज स्टोर्ड एज फाइल ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। ये हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर सेव हो जाता है। यार ये तो पता होगा आपको, मतलब नहीं तो अब नॉलेज होगी ना यार, ऐसा तो नहीं होगा। व्हेन द यूजर रन्स द प्रोग्राम द फाइल इज रेडी बाय द कंप्यूटर एंड द प्रोसेसर रीड्स द डेटा इन द फाइल इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर डज व्हाट द प्रोग्राम टेल्स इट टू डू। सिंटैक्स, भाईजान सिंटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर लैंग्वेज को समझने के लिए, सिर्फ सी प्लस प्लस नहीं, हर लैंग्वेज को समझने के लिए सिंटैक्स बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब क्या है सिंटैक्स, सिंटैक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। आप इंग्लिश सीखते हैं ना तो पहले हमें आप ग्रामर ही सीखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने सेंटेंसेस वगैरह बना सकते हैं ग्रामर सीखने के बाद। तो ये भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया हर लैंग्वेज की अपनी अपनी ग्रामर होती है, और होती भी है, ये तो सही है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसकी भी अलग अलग ग्रामर होती है, तो हमें पहले वो समझनी पड़ेगी। द फॉर्मेट इन विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर अरेंज टू क्रिएट सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स, लाइक यू कैन सी सिंटैक्स इज अ वे ऑफ राइटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ फॉर अ कंप्यूटर लैंग्वेज। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हैशटैग इंक्लूड या लिखा पड़ा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ये आईओ स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे एक हेडर फाइल है जो कि यहाँ पे मेंशन भी हुआ पड़ा है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस स्टेटमेंट, अब ये क्या होती है भाई, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस होता है ये एक, ठीक है। हम ये बता रहे हैं हमारे आईडीई को कि भैया हम नेम स्पेस यूज कर रहे हैं एसटीडी वाला, ठीक है, ये जो एसटीडी वाला नेम स्पेस है हम वो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना।
मेन फंक्शन आ जाता है, उसके बाद हमारा जो हम इंट बोलते हैं ना, ये इंट या वॉइड ये डिक्लेरेशन के टाइप्स होते हैं एक वेरिएबल को या एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। ये एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। रिटर्न टाइप वगैरह ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। अच्छा, पीछे हम आपने देखा होगा ये वॉइड लिखा पड़ा था, ठीक है। पीछे आपने देखा होगा कि वहां पे एक वॉइड लिखा पड़ा था, यहाँ पे इंट लिखा पड़ा है। तो देखें, ये वॉइड जो है ना वो रिटर्न नहीं करता, वॉइड रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न अब क्या होता है, रिटर्न अगर हम नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। मेन जो है हमारे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे हमारी पेरेंथेसीज हैं, ओपनिंग पेरेंथेसीज क्लोजिंग पेरेंथेसीज। इसको हम नाम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं, अच्छा बाय द वे, लेकिन हम इसको मेन नाम देंगे क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इजी रहेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए हम इसको मेन का ही नाम। उसके बाद हमारी आ जाती है ओपनिंग ब्रेसेस जो कि फंक्शन की होती हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं सी आउट, उसके बाद हमारी सी आउट स्टेटमेंट है, ये लिखी हुई है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये सी आउट जो है वो कंसोल आउटपुट है, कंसोल आउटपुट सी आउट का जो फुल फॉर्म है। उसके बाद हमारे इंसर्शन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और इसको हम पुट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन इंसर्शन जो है वो बहुत ही ईजी वे है। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल के अंदर जो भी लिखेंगे ना वो हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल के अंदर हमने लिखा हुआ है 14 कंप्यूटर सिस्टम्स, उसके बाद हमने टर्मिनेटर एज अ सेमी कोलन लगाया हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गेट सी एच आपको सी डेव सी प्लस प्लस के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी हम किस तरह से प्रिंट करते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है। अब ये रिटर्न क्या है भैया, अगर आप पिछली स्लाइड पे मूव करें तो देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि भैया रिटर्न अगर जब तक नहीं होगा तब तक प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप रिटर्न 0 ना भी देना फिर भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमने जो टाइप है ना, हमने टाइप ही इंट लिया है, तो इंटीजर टाइप भी खुद ही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हम इंट नहीं लिखेंगे ना, हमें कंपाइलर जो हमारा जो है वो वार्निंग दे देगा, इसलिए हम जो है वो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देंगे। उसके बाद क्लोजिंग ब्रेसेस, ओके जी। अब यहाँ पे आ जाता है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, जो कि हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नॉट नॉट फॉर नाउ, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, और बिकॉज मैं जो है आपको सही से एक्सप्लेन करना चाह रहा था हर एक चीज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी देख लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सिंपल प्रोग्राम भी बनाकर दिखाऊं। अच्छा, आप सिंपल प्रोग्राम अगर देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक प्रोग्राम मैंने लिखा था। अगर आप पहले ये वीडियो देखें फिर उसके बाद वो वाली वीडियो देखेंगे तो आई होप आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह।